तो जी बढ़िया शुरुआत हुई है, बैटरी खराब हो गई थी हमारी गाड़ी की पसीने पसीने हो चुके, बैटरी लेके आए, बैटरी लगवाई गई इसकी, हमने सोचा आराम से निकलेंगे। हो गया 11 बजे, क्या हो गया, पौने 12 बज चुके हैं, सुबह 10 बजे निकलने का प्लान था और हम निकलेंगे ऐसे समय दिल्ली जाना प्रगति मैदान, करीबन करीबन 1 घंटा लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, 1 बजे के आसपास पहुँचेंगे तब हम एग्जीबिशन अटेंड करेंगे। क्या बात है, दिन की शुरुआत देख लो कितनी बढ़िया हुई है हमारी, इस बैटरी ने साथ नहीं दिया बस हमारा आज, बाकी सब तो ठीक है। चलो भैया चले यार। हो बिल्डिंग सबसे बढ़िया लगती है वाली, देख लो सबसे पहली बिल्डिंग यही तो थी। हाँ बिल्कुल मस्त एकदम, मतलब बचपन में याद है हम गुड़गांव आते थे ना, तो यहाँ बिल्डिंग देखते थे ना लगता था हाँ गुड़गांव पहुंच गए, क्योंकि रास्ता यही वाला था दौलत पहुंच आते हुए। बढ़िया ना, ये देखो ये जबरदस्त बन गई है, सामने बन गई बिल्डिंग, एक इधर बन रही है एक और नई, वो भी है। शुरुआत तो हो गया सफर हमारा, मौसम थोड़ा बरकरार रहे, अगर साथ दे रहे तो ठीक रहेगा, वरना झुलस जाएंगे पहुँचते पहुँचते। 1 घंटे का ड्राइव है प्रगति मैदान का, यहाँ से हम निकल रहे हैं एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, एग्जीबिशन आपको वहीं जाके दिखाएंगे और बताएंगे भी किस चीज़ का एग्जीबिशन और हम क्या करने जा रहे हैं। क्यों सेल चलो, काम क्या है, नेटवर्किंग प्लस धंधा उठाना, बात करना, और वही चीज़ है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ना जिंदगी लेके प्रगति मैदान की तरफ। दिन में एक बज रहा है, 12:30 बज रहे हैं, किसी तरह रश नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम होगा ना 8-9 बजे के आसपास, ये शाम को 5 बजे के बाद इतना गंदा जाम मिलेगा ना इस रूट पे आपको, मतलब उस पीछे फ्लाईओवर तक जहाँ से वो भी आए ना वहाँ तक ऊपर जाम रहता है, उस दिन मैं ऋषभ के साथ जा रहा था, ऊपर तक जाम फुल पैक एकदम। भाई मारुति की गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ आपको, देख रहे हो 17.7 की एवरेज, भाई क्या मजाक चल रहा है क्या ये क्या चक्कर क्या है, ये मारुति वाले ऐसी गाड़ी क्यों बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हल्का से लिया खाने पीने का सामान, काम चल जाएगा थोड़ा, सफर थोड़ा लंबा है 1 घंटे का सफर, थोड़ा बीच में थोड़ा मंचिंग हो जाएगी भाई। ये डांडी यात्रा याद है मुझे बचपन में, आते हैं यहाँ फोटो खिंचाई थी मैंने, आगे जो इंडिया गेट सामने ये प्रगति मैदान, ये रहा एंट्री गेट, पार्किंग रूट है फिलहाल हम। ओहो भाई इतनी गर्मी, भाई साहब कड़ाके की धूप ऐसी था, और पार्किंग भी ना यार दूर है यार वहाँ से, पता है मेन गेट पीछे है, देख रहे हो आपका कैसे आ रहा है गर्मी का, लू चल रही है लू भाई, ऐसे मौसम बनेगा तो आप जितना मर्जी परफ्यूम छिड़क लो सब खत्म, बाल भी पूरे खराब हो गए यार। ऊपर देखो भाई ड्रैगन, गर्मी बहुत ज्यादा है बट ये है कि हल्के हल्के बादल हैं भाई, फिटनेस वाला एग्जीबिशन भी लग रखा है अंदर इसके, देख रहे हो गजब। चलो जी भैया ये मिल गया हमें शटल अंदर जाने के लिए, द वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस इन एशिया। ये देखो गाइस कैसे पूरा मूवमेंट होता है वेयर हाउसिंग में, कैसे चीजें मूव करती हैं, पूरा एक सॉफ्टवेयर की तरह डिजाइन करा जाता है इस चीज को, कैसे कार्गो लोड होता है, कैसे उतरता है, दिस वी हैव लोडिंग एरिया, दिस वी हैव फोकलिफ्ट एरिया, ट्रक्स में कैसे मूवमेंट होता है, कंसाइनमेंट्स यहाँ से निकल के फैक्ट्री से कैसे डिस्पैचमेंट्स होती हैं ताकि ट्रक में इजीली लोड हो सके, इस बेल्ट पे कार्गो डालते हैं, कुछ भी बैगेज डालो जैसे आपने एयरपोर्ट्स पे भी देखा होगा सेम, में इंस्टेड ऑफ मैनुअल लोडिंग आप ऐसे बेल्ट्स लगाए ताकि कार्गो जल्दी मूव हो जाए। हाय थोड़ा आप ब्रीफिंग कर सकते हैं इसके बारे में, बेसिकली यहाँ पे रोबोट्स लगे हुए हैं जो भी मटेरियल आएगा उसको पैलेटाइज करेंगे, ठीक है, अगर मटेरियल पैलेट स्टोर करना है तो ASRS सिस्टम लगा, ठीक है, स्टोरेज, अगर वो स्टोर नहीं होना है हाँ। रोबोट्स की तरह जाएंगे और यहाँ पे उन मटेरियल को सेग्रीगेट किया जाएगा। दिस इज ऑल ऑटोमेशन, ये अपने बड़े वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ के लिए सबसे स्मूथ है, ये कार्गो अपना पाया और मूव होकर सीधा अपनी जगह पे चला जाएगा। ये कुछ फोक लिफ्ट हैं, ये पूरा वैक्यूम से काम कर रहा है, ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं हमारे तक हवा नहीं आती मजाक कर रहा हूँ, दीज आर ऑल वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस। 3 hours later. जी है ना? ये देखिए शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया? कुछ नहीं। खत्म। बाय बाय। टाटा। लाओ जी बकलावा। तू क्या कर रहा? क्या कह रहा? हाँ भाई क्या हाल है? Welcome back to the vlog. 10 minutes later. तो ऐसे ही मारने बोए कर आए थे शाम के टाइम, तो करते करते हम थोड़ी देर बैठे, फिर ऐसे सीरी फोर्ट का प्लान बन गया, तुम करते करते फिर यहाँ आ गए। भाई सही बना रखा देख रहा, ये टेनिस कोर्ट है, ये एक बहुत बड़ा सलोन है और ये वॉकिंग पाथ है। फिलहाल हम कुछ अटायर लेक पहन के नहीं आए हम लोग, ऐसे आगे बोले बोला चलते हैं सीरी फोर्ट वॉक करने के, मैंने भी हाँ मैं यहाँ बढ़ दी, हाँ ठीक है चलो वॉक करने चलते हैं, इसी बार है पहले आया करते रहे मैं और कुणाल आते थे यहाँ पे, मस्त यहाँ पे ना बैडमिंटन खेलते रहे, पीछे बैडमिंटन कोर्ट है उस तरफ, बेस्ट एरिया इन दिल्ली। कितना बड़ा लॉन है यार, कितना बड़ा, ये देखो वहाँ से टेनिस कोर्ट शुरू हुई यहाँ तक, पूरा पीछे तक टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे इंडोर वो भी है, ये फुटबॉल का स्टेडियम देखो, वो बार्स दिख रहे होंगे सारे इंडोर, इनका वो भी स्विमिंग पूल। नया रेस्टोरेंट खुला है आज ही, ओपनिंग हुई है इसकी यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे,
ये हम तो कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं। उधर सामने आगे जाके स्विमिंग पूल है। अच्छा इंडोर स्विमिंग पूल इस तरफ है ना। हाँ। भाई बहुत क्रेजी बन रखा है। करनी है हमारी गाइड है हमारी बुआ शनु। पर शिपे साल की 8,000 तो है पर पर्सन दो जनों के 8,000 रुपए देख रहे छोटे। हमारे देहरादून में एस सच पता नहीं है या नहीं है, WIC है, बट उसमें पता करना पड़ेगा क्या हिसाब किताब क्या है। चलते हैं आपको बैडमिंटन कोर्ट दिखाते हैं। ये हमारा यार ये है भाई बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पे आते थे जिम भी उधर है। यहाँ पे कुणालों में खेलने आते थे। पहले ना कोर्ट की बुकिंग करानी पड़ती है, यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ती है, तो नंबर आता है उसके बाद स्लॉट मिलता है बेसिकली, उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्लॉट में खेल सकते हो। भाई बहुत खेला है यहाँ पे, मजेदार मजा आता रहा। स्क्वाश खेल चल रहा है। कैसा लगा? ठीक है यार, मतलब कभी वहाँ प्लेयर्स खड़े हैं कुछ, वो सामने खेल रहे हैं फील्ड पे। इतना विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी बिकॉज थोड़ा अंधेरा हो गया। हम थोड़ा जल्दी आते तो शायद आपको कुछ और बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता। ये सामने हॉकी फील्ड है। अब तो खैर सब बंद हो गया, लाइट इतनी लगी, यहाँ लाइट्स वगैरह लगी नहीं मेरे ख्याल से ना। चल रनिंग कर फटाफट यार, बट ऐसे घर तक जाना है ठीक है। सुकून है एकदम, ये आउटडोर वाला जिम है। लो भाई वॉक करते करते आ गए हम कहाँ पे, आओ मिनरल्स लेते हैं थोड़े से। इस तरफ पिकॉक है, पिकॉक है। लो जी शुरुआत हुई है हमस पीटा से। कैसा है, कैसा लगा हुआ? मैं ड्रिंक का शॉट लेना तो भूल ही गया, हमारे ब्लूबेरी शेक था और दो कोल्ड कॉफी जो कि मेरी तो निपट चुकी है। This is nice. ये अच्छा है कुछ। The next day. तो भैया रात बुआ के घर काटने के बाद हम आ लोग आ गए थे सुबह अपने घर। क्या कह रहे तुझे ना लू, तुझे तो मैं लूंगा। मैंगो शेक बनाना शेक है, बनाना शेक। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, खैर सुबह से तो हमने लॉगिन बनाया, आगे तो हम पड़ गए थे भाई क्योंकि रात को ना ऐसी नींद पूरी नहीं हो पाई जब लोग लेट सोते हैं। तो चलो सुबह सोते हैं और बाहर हो रहा है मौसम बढ़िया एकदम, बारिश का मौसम बन रहा है पर बारिश हुई नहीं है ना जाने क्यों। क्या खूबसूरत सा नज़ारा है यार एक बात तो इस बालकनी से। आज डिनर में हम बर्गर खा रहे हैं, वहाँ चल रहे गाने सही से, और हमारा छोटा आ जा